जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त लाइव आने का मकसद इंतहाई ज़रूरी था। कराची में शदीद बारिश है और कराची तकरीबन डूबा हुआ है। इंशाल्लाह हम आज और कल में पूरा कराची भी आपको दिखाएंगे कि जरदारी जो चोरी के पैसे से डाके के पैसे से वहाँ पे लगा हुआ है लाहौर में, वो खरीद फरोख्त कर रहा है और दूसरी तरफ सिंध के आवाम, कराची के आवाम सारे डूबे हुए हैं। लेकिन आज लाइव आने का मकसद एक और है। मुझे कई दिनों से अननोन नंबर से कॉल्स भी आई कि आप इंसान के बच्चे बन जाओ, लेकिन मैंने न किसी अपने साथियों को बताया न पार्टी को बताया, इसलिए कि मैंने कहा कि होने दो जो होता है मेरे साथ हो। आज मैं बताना चाहता हूँ, आप तो कॉल कर रहे हैं ना, आपको एक काम करना पड़ेगा तब मेरा मुंह बंद कर सकते हैं। आपने कहा आपका मुंह बंद करेंगे, आप मुझे यहाँ पे गोली मार सकते हैं सिवाय इसके और कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा मुंह बंद नहीं होगा। आप कुछ भी करें, मैं आपको बेगैरत भी कहूँगा, मैं आपको दलाल भी कहूँगा, मैं आपको हरामी भी कहूँगा, मैं आपको कुत्ता भी कहूँगा, जो आप जो कि आप हैं। जो लोग इस रिजीम चेंज में शामिल थे वो कोई भी हो, वो सबसे बड़े बेगैरत और दलाल हैं। आप डराना चाहते हैं, कल रात को क्या वाकया हुआ वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये गाड़ी दिखाएं, इस पे इन्होंने कैसे मैसेज दिया है, क्रॉस का निशान लगाया है। ये गाड़ी दिखाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दिखाएं। अब पीछे आ जाए। यहाँ पे इन्होंने ये देखे, ये पूरा पान थूका हुआ है, चीजें थूकी हुई हैं। ये दिखाएं, क्लोज दिखाएं। इधर देखा है, ये गाड़ी पे सारे लाइनें मारी हुई है। तो ये इधर देखा है, अब नंबर प्लेट की तरफ आ जाए। ये नंबर प्लेट आप देख सकते हैं, ठीक है, ये लाइन देख सकते हैं, ये टूटा हुआ है। अब मेरा बताने का मकसद क्या है, मेरा बताने का मकसद ये है कि रात को मैंने जरदारी को, मौलाना को और नवाज शरीफ को, जिनको जो भी कहा है उस पर मैं उसी तरह कायम हूँ। दो नंबर लोगों का साथी है मौलाना, दो नंबर काम कर रहा है और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि ये एक्सपोज होगा। इसके साथ साथ एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा भी है जो कि मैंने अभी तक ना पुलिस रात को मैंने पुलिस बुलवाई थी, मैंने उनसे कहा कि मुझे ये बंदे चाहिए, हर सूरत में चाहिए, ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रेस भी हो। लेकिन मेरा मैसेज क्या है, आप कुछ भी करें, हम आपको दोबारा मैं कहता हूँ कि डाकू चोर बेगैरत लोग डूबे हुए, लोग मर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि हम चुप हो जाएंगे? किसी सूरत हम चुप नहीं होंगे। और मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज का साथ दो, खवातीन के साथ घूमो फिरो, और तुम्हारे साथी बुजदिल लोग हैं, ये जिसने भी किया है, अगर ये मर्द का बच्चा है, इसमें थोड़ी सी भी गैरत है और ये सामने आ सकता है तो ये सामने आ जाए। ये तो चोरों के काम होते हैं, ये तो चोर लोग हैं। आज से हमारा मुहिम आपके खिलाफ और भी तेज होगा, हम आपकी और चोरियां भी एक्सपेस करेंगे। आप हराम खाते हैं, आप जो है वैसे तो कहते हैं कि मैं मदरसों के लिए काम करता हूं, लेकिन आपके करतूत इंशाल्लाह के करके अब मैं सामने लाऊंगा। और कल से, आज से, अभी भी हम दिखाएंगे थोड़ी देर में दोबारा लाइव आकर, और कल से हम आपको पूरा कराची दिखाएंगे कि बारिश हुई है। हाँ, बिलावल ने कहा था कि जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। आज अलीमा दिल शेख साहब ने उसको एक नया फार्मूला किया कि जब कम पानी आता है तो भी, कम बारिश होती है तो भी ज़्यादा पानी आता है, तो वो पानी भी हम दिखाएंगे और हम आपके खिलाफ हर महाज पे उसी तरह कड़े होंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहिएगा आज और कल में, अभी थोड़ी देर में और फिर कल में पूरा कराची हम आपको दिखाएंगे कि कराची इस वक्त ये मेट्रोपोलिटन सिटी है, ये बिजनेस हब है, या ये डूबा हुआ कराची है, जरदारी के गुनाहों में डूबा हुआ, जरदारी के करप्शन में डूबा हुआ ये सूबा है। शुक्रिया।